आपका क्वेश्चन है फाइंड फोर नंबर्स हूज सम इज 20 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 120। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, सबसे पहले तो हमको क्या करना है, इसके अंदर आपको फोर नंबर्स लेने हैं। सबसे पहला हम ले लेते हैं, अब इसके अंदर हम फर्स्ट नंबर ए नहीं लेंगे क्योंकि इसने कहा फोर नंबर्स, ए को छोड़ के साइड वाले नंबर्स लेते हैं। दैट इज सबसे पहला हमारा है ए माइनस डी लेफ्ट साइड का एंड राइट का है ए प्लस डी, दो नंबर हो गए। थर्ड नंबर यहां पर आपका आएगा ए माइनस थ्री डी, आपको टू डी नहीं लेना है, थ्री डी लेना है। ठीक है, और यहां पर आपका आएगा ए प्लस थ्री डी। तो नंबर्स आर ए प्लस डी, ए माइनस डी, ए प्लस थ्री डी, ए माइनस थ्री डी। इस टाइप से आपको करना है, जहां पर थ्री नंबर्स आते हैं वहां पर आपको लेना है ए, ए माइनस डी एंड ए प्लस डी। जहां पर फोर आएंगे वहां पर आपको ए नहीं लेना है, ये दोनों तो लेंगे ही लेंगे, साथ में ए माइनस थ्री डी एंड ए प्लस थ्री डी लेंगे। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, इट्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इसने कहा हूज सम इज 20, दैट मींस इन सबको ऐड करेंगे तो वी विल गेट 20। तो करते हैं हम, ए माइनस थ्री डी प्लस ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस थ्री डी इज इक्वल टू 20। ठीक है, अब माइनस थ्री डी, यहां पर प्लस थ्री डी है, ये दोनों हमारे कट जाएंगे। ठीक है, माइनस डी है, यहां पर प्लस डी है, ये दोनों कट जाएंगे। अब ए कितने बच गए, 1, 2, 3 एंड 4, तो हमारा हो गया 4a इज इक्वल टू 20। तो ए कितना हो गया हमारा 20/4, कट करेंगे तो वी विल गेट 5, तो हमारा ए कितना आ गया 5। इट्स सिंपल, इसलिए हमने नंबर्स इस टाइप से लिए हैं कि आपको ज्यादा सॉल्व करना ना पड़े। ठीक है, अब इसने कहा द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 120। अब सम ऑफ देयर स्क्वायर्स यानी इसके स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज 120। ठीक है, करके देखते हैं, हमारा है a माइनस थ्री डी होल स्क्वायर प्लस a माइनस डी होल स्क्वायर प्लस a प्लस डी होल स्क्वायर प्लस a प्लस थ्री डी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 120। ठीक है, अब इसका स्क्वायर करते हैं, देखते हैं हमारा क्या आता है। ठीक है, करके देखते हैं, तो ये हमारा आ गया ए स्क्वायर प्लस 9d² माइनस 6ad प्लस, अब इसका करते हैं, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad। ठीक है, नेक्स्ट प्लस ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad प्लस, अब इसका कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस 9d² प्लस 6ad इज इक्वल टू 120। ठीक है, ये आपको समझ आया कैसे किया मैंने। अब इसके अंदर आपको ऐड करने हैं ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, कितने हो गए हमारे पास 4, तो ये हो गए हमारे पास में 4a². ठीक है, नेक्स्ट डी स्क्वायर कितने हैं, 9 + 1 = 10, 10 + 1 = 11, 11 + 9 = 20।
प्लस 20 डी स्क्वायर हो गया। अब एडी कितने हैं देखते हैं, माइनस 6 एडी माइनस 2 एडी इस माइनस 8 एडी और यहां पर 2 एडी है और 6 एडी है, यानी कि इधर भी प्लस में है इधर माइनस में है, तो ये सब कट जाएंगे हमारे, ठीक है। दैट इज इक्वल टू 120, दैट इज इक्वल टू 120। आप ध्यान से अगर इनको देखेंगे तो ये 4 से जा रहे हैं, तो अब हम क्या करेंगे, इनको डिवाइड करेंगे 4 के साथ, डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। 4 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी देखते हैं, ए स्क्वायर प्लस 5 डी स्क्वायर इज इक्वल टू 30, आपकी वैल्यू आ गई, ठीक है। नेक्स्ट हमको मालूम है ए इज 5, अब इस वाली वैल्यू को हम ए की जगह पे पुट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 5 डी स्क्वायर इज इक्वल टू 30, ठीक है। इसकी वैल्यू 5 स्क्वायर इज 25, तो ये 25 आ गया प्लस 5 डी स्क्वायर इज इक्वल टू 30, तो 5 डी स्क्वायर कितना हो गया हमारा 30 माइनस 25 प्लस 25 राइट में जाएगा तो माइनस 25, ठीक है। तो अब आ गया हमारा 5 डी स्क्वायर इज इक्वल टू 5, तो डी स्क्वायर कितना हो गया हमारा 1, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बाई 5 इज 1, तो व्हाट इज डी, डी इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसने कहा है नंबर्स फाइंड आउट करो, तो फर्स्ट नंबर इज ये रहा हमारा 5, फर्स्ट नंबर क्या दिया है इसने, ए इज 5, 5 माइनस 3 डी मीन्स 1, तो 5 माइनस 3 इज 2, फर्स्ट नंबर आ गया हमारा। सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर क्या है हमारा, ए माइनस डी यानी 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड नंबर, थर्ड नंबर ए प्लस डी यानी 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6, एंड फोर्थ नंबर हमारा क्या है, 5 प्लस 3 इंटू 1 इज 3 इज इक्वल टू 8, तो हमारे नंबर क्या है 2, 4, 6 एंड 8, ठीक है।